बदला 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 कुछ नहीं बदला बस, पहले भी आप उतने ही बेवकूफ थे जितना अब हो। हाँ बस, पहले भी आप उल्लू बनते थे और आगे भी आप उल्लू बनते ही रहोगे। चुप, मैं कुछ बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बदला लेने की बात कर रहा हूँ। मानव से बदला लूंगा। अपने गिफ्ट चाके फाड़ फाड़ के देख रहा था ना, मैं उसका चश्मा ही तोड़ दूंगा और उसके बाद उसका मुंह। और अगर तुम दोनों मेरे प्लान के ऊपर हंसे ना तो मारा चश्मा तोड़ दोगे। हाँ बच गए, अब तो चश्मा ही नहीं पहनते। सॉरी सॉरी, क्या करे, अपने आप हंसी निकल जाती है। खांसी खांसी निकल जाती है। रुको, अभी तुम्हारी अच्छी खांसी निकाल दो। चलो मोंटू तो बहुत गुस्से में, वो मेरा चश्मा तोड़ना चाहता है, पर मोंटू जो कहता है वो उसे करके रहता है। अब क्या होगा मेरे चश्मे का? मैंने परिलोक में इतना बड़ा इंद्रधनुष पहले कभी नहीं देखा है। आज कुछ खास है क्या माँ? हाँ बालवीर, ये इंद्रधनुष महामंगल पर्व के आरंभ का संकेत है। महामंगल पर्व का अभिनंदन। आप सबको भी अभिनंदन परिलोक। महामंगल पर्व है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ मंगलकारी है बालवीर। आज के दिन परिलोक में एक नहीं बल्कि सात सात इंद्रधनुष बनते हैं और सात रंगों वाले सात इंद्रधनुष पूरे आसमान को रंगीन बना देते हैं। हाँ, और जैसे ये सातवां इंद्रधनुष पूरा होता है हम सभी परियों की शक्तियाँ सात गुना बढ़ जाती है। अरे वाह, तो ये महामंगल पर्व तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, और इसीलिए ही हमने आप सब परियों को आज यहाँ बुलाया है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर हम सब परियां मिलकर रानी परी को फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बाल परी? हाँ, हमारी की हुई सारी कोशिशें अब तक विफल रही है। हम जानते हैं, इसलिए तो हमने आज का दिन चुना है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर अगर हम रानी परी को फिर से जीवित नहीं कर पाए तो हमें अफसोस है कि अगले 100 वर्षों तक हम उन्हें उनके असली रूप में नहीं ला पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात सोचकर ही मुझे डर लगता है। परियो, आप सब चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। चलिए माँ, जल्द से जल्द इस पर्व की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ बालपरी, चलिए देखिए दूसरा इंद्रधनुष बनना भी शुरू हो गया। तराज, रानी परी का अपने स्वरूप में वापस आना भवंडा परी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ नाराज, हमें ये बात जानकर भवंडा परी को जल्दी बतानी चाहिए। चलो। मोंटू यहाँ? मुझे तो मोंटू से छुप कर रहना पड़ेगा, पर मैं छुपूंगा कहाँ? हाँ एक काम करता हूँ, अपना चश्मा छुपा देता हूँ, फिर मैं हरकत दे देता हूँ। जब चश्मा ही नहीं रहेगा तो तू आगे मुंह क्या तोड़ेगा? लेकिन मेहर कहाँ है? हाँ वो रही, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। नहीं, कहीं रास्ते में मुझे मोंटू मिल गया तो वो
वो तो मेरा चश्मा तोड़ देगा, पर मेरे पास और कोई रिस्क भी तो नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता ही है कि मेहर कहाँ है। गैस का गुब्बारा। अरे महर, वो पानी का टैंकर। अरे वो बेबी एलिफेंट मोंटू। अरे तुझे पता है ना, उसने कसम खाई है कि वो पहले मेरा चश्मा फोड़ेगा, फिर मेरा मुंह तोड़ेगा। रुको रुको बस रुको, सुनो तो, चलो देख तो लेते कि ये आपकी कितनी बेइज्जती, मेरा मतलब आपके बारे में क्या क्या सोचता है ये मानव। हाँ। और महर, मैंने ना अपना चश्मा ये पैंट के पॉकेट में छुपा दिए ताकि उस एक्स्ट्रा 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 लार्ज साइज को पता ही ना चले कि मेरा चश्मा कहाँ है, है ना? वैसे मैं डरता नहीं हूँ उस मोंटू से, वो तो खाली एक चलता फिरता पानी का टैंकर है, मोंटू। एक बड़ा सा गोल सा ड्रम है, वो खाली आवाज करता रहता है। अरे हाँ मेहर, अगर मेरे हाथ में जादुई डंड होती ना, तो मैं उससे ना उसको बंदर बनाकर उल्टा लटका कर बिजली का झटका दिलवाता और पूरे स्कूल में घुमाता, और फिर मैं उसको लड़की बनाकर डांस करवाता पूरे स्कूल के सामने, और फिर मैं उसको आसमान में रॉकेट बना के उड़ाता और उसकी सारी हवा निकाल देता। तू मेरी छोड़ महर, वैसे ये चश्मा कहीं पर छुपा ले। अरे महर, मुझे बहनाना नहीं था, इसको छुपाना था उस जहाज के साइज गोरिल्ला किंग कॉन्ग मोंटू से। मुझे सब कुछ इतना मोटा क्यों दिखाई दे रहा है? बेटा, मोटा दिखाई नहीं दे रहा है, तेरे सामने खुद मोंटू मोंटू खड़ा है। क्या कहा था मुझे? जैस का गुब्बारा, हाथी, नहीं, बेबी एलिफेंट, समुद्री जहाज, नहीं, किंग कॉन्ग, नहीं, गोरिल्ला, नहीं, तोबा तोबा, तुम क्यों रो रहे हो? रहा हूँ रो मैं अपनी किस्मत के, क्या कब मिलेगी मुझे ऐसी दुष्ट और शातिर परी जो जीत पाए बालवीर। तबा तबा बदतमीज। हे चलता आपका जोर सिर्फ मुझ पर, अगर जीत नहीं सकती आप अकेले बालवीर से, तो क्यों नहीं लेकर आई परी भयंकर को अपने साथ सर्वदा तेज खाने से यहाँ? तबा तबा तोबा तोबा, बवंडर और भयंकर की जोड़ी से नहीं बच पाता वो पिंकी सा बालवीर, और तीनों लोगों पे राज करते हम तीनों। तीनों? हाँ हाँ, आप दोनों। तोबा तोबा, तुम मुझे बवंडर परी को कह रहे हो कि भयंकर परी को अपने साथ ले आओ? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी बवंडर परी। तौबा तौबा की शक्ल भले ही अच्छी ना, लेकिन इसने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आपकी शक्तियाँ काफी नहीं है बालवीर से जीतने के लिए। तुम दोनों शक्तिहीन परियां मुझे ज्ञान दे रही हो शक्ति के बारे में? लेकिन भवंडर परी, हम जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए ही कह रहे हैं ना। हाँ भवंडर परी, आज महामंगल पर्व है और आज सभी परियों की शक्तियाँ सात गुना बढ़ने वाली है,
और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रानी परी को उनके स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगी। और अगर ऐसा हो तो रानी परी सबसे पहले आप ही को कैद करेंगी। गई और एक परी। तोबा तोबा। ये मत भूलो, मैं भी एक परी हूं और आज महामंगल पर्व के दिन मेरी शक्तियां भी सात गुना हो जाती है। तो फिर जाइए बवंडर परी और अपनी दुश्मनी भुलाकर भयंकर परी को अपना दोस्त बना लीजिए और करा लीजिए उसे आजाद उस सर्वदा कैद खाने से। कभी नहीं, वो मेरी दुश्मन है। दुश्मन तो वो है परियों की भी, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो फिर ठीक है तौबा तौबा, अब मैं छुड़ाऊंगी भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने से और हम दोनों मिलकर करेंगे बालवीर पर आक्रमण। बापरी, लोग तो आ रहे। पकड़ो। अरे अरे हट हट हट, मुझे नहीं है। रोहित को पकड़ो मानो को। बाल बाल बच गए उस गैस के गुब्बारे से। अरे उठो उठो, बस देखने दो कहीं जमीन टूटी तो नहीं। मेरा मतलब है कहीं आपकी हड्डी टूटी तो नहीं। इसकी हिम्मत हुई जिसने मोंटू को धक्का दिया। बस मारो मारो पूरा मारो, चल 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 चलो कर ले। उसे लग रहा था कि मैं एकदम आसानी से उसके हाथ में आ जाऊंगा। एक तो इतना मोटा है और भाग भी नहीं पाता, और चला मुझे पकड़ने। अगली बार सुई लेके घूमूंगा, जैसे ही मेरे सामने आएगा उसके पेट में घुसा दूंगा और सारी हवा निकाल दूंगा। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। सॉरी सॉरी। आपका भाई मोंटू जी, जब तुम मेरे पेट में सुई डालकर मेरी हवा निकालने की बात कर रहे थे तब आया मैं। हवा तो मेरी निकल गई है। अब हम कुछ ही पल दूर है महामंगल पर्व से। हाँ विस्तार परी, जैसे ये सातवां इंद्रधनुष पूरा हो जाएगा महामंगल पर्व शुरू हो जाएगा। हाँ, और रानी परी को उनके असली रूप में लाने की प्रक्रिया भी। ध्यान से सुनो परियो, जैसे ही सातवां इंद्रधनुष बन जाएगा तो इन इंद्रधनुषियों के बीच में से एक महाशक्तिशाली किरण निकलेगी जो सीधा रानी परी पर आकर गिरेगी, और उसी समय हम सबको अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करके रानी परी पर केंद्रित करनी होगी। आज हमारी शक्ति सात गुना बढ़ जाएगी, तो अगर ये सारी महाशक्तियां मिल जाएगी तो परिलोक में भूचाल आ जाएगा। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं इस भूचाल से परिलोक का अंत ना हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
रानी परी के लिए हमें यह खतरा उठाना ही होगा। परियो, महापल का समय करीब आ रहा है और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हाँ परियो, हमें कोशिश करनी होगी, पूरी कोशिश करनी होगी। सातवां इंद्रधनुष बस पूरा होने ही वाला है बाल परी, हमें आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बाल परी, आप आज्ञा दीजिए, हम सब परियां आपके साथ हैं। हाँ बाल परी, हम आपके साथ हैं। बालवीर, अब वो समय आ चुका है कि हम सब अपने जादुई दंड आगे करें और अपनी शक्तियां एकत्रित करें। जी बालवीर। कैसे वंडर परी? हाँ देखो फिर से ठीक से। वंडर परी चेतावनी यंत्र बजाओ, बजाओ चेतावनी यंत्र। परियो 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 परियो, आज का ये महामंगल पर्व मैं तुम सब के लिए महा अमंगल पर्व बना दूंगी। भयंकर परी के आजाद होते ही मैं तुम सब पर ऐसा वार करूंगी कि तुम मेरे कदमों में घिरकर अपनी सलामती की भीख मांगोगी, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सजा दूंगी। जल्दी कीजिए बवंडर पर, क्योंकि जब तक हमें ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा हमारे पास सिर्फ तभी तक का समय है भयंकर परी को आजाद कराने के लिए। पर भवंडा परी, कैद खाने के द्वार पे लॉक होने के बावजूद भी आप इस द्वार को खोलेंगी कैसे? ऐसे। सावधान परियो, आज मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने वाली हूँ। मेरे सात गुना शक्तिशाली बवंडर के सामने तुम्हारे दरवाजे की लाख भी नहीं टिकने वाली। आज रानी परी के साथ भयंकर परी भी आजाद हुई। बोल दे गुड बाय। मैं तो आपको कब से गुड बाय बोल के निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक आप ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो। ए, मैंने चश्मे को गुड बाय बोलने को कहा, समझा? अब आपको परी पोड़ू या चुपचाप मेरे हाथों में दे रहा है? पर वो
सोने की चिड़िया? कहाँ है सोने की चिड़िया? बस टूट गई। तुम भी उड़ो। हाँ? अरे पकड़ो। इसे सोने की चिड़िया को। क्या? क्या कुछ भी पूछते? चल। अरे यार ये पिद्दी मानव का चला गया और मेरे तो लंगूर भी नहीं दिख रहे। अरे मानव सामने से आ रहे, अब भी इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, कहीं छुप जाता हूँ फिर इसे पीछे से पकड़ूंगा। कहाँ छुपू? अरे कहाँ छुप गया, इसके अंदर ही छुपता हूँ। अब आने दो मानव को। पता नहीं ये मानव कहाँ भाग गया, बस एक बार ये हाथ में आ जाए ना फिर तो देख मैं उसका कैसा भरता बनाता। बस तू तो सिर्फ भरता बनाएगा ना, मैं तो उसे ऐसे लात मारूंगा ना। रोको रोको, अभी जैसे मोंटू बॉस की आवाज उसमें से आ रही है ना वैसे ही मानव की आएगी। लेकिन इसमें से मोंटू बॉस की आवाज क्यों नहीं? अरे बहुत हो गया तुम दोनों का, बहुत। मैं फिर से सेम जगह पर आ गया। सॉरी सॉरी, भागो। पकड़ो। अरे उसे नहीं, मुझे मुझे पकड़ो। अब मैं भाग नहीं सकता। और हाँ, मानो का चश्मा तोड़ने के चक्कर में मेरी हड्डियां टूट जाएगी, इसलिए प्लान कैंसिल कैंसिल प्लान कैंसिल। संभालो बॉस। कौन? मैं। अरे कौन मैं? आप अमृतलाल डगली? अरे अमृतलाल डगली नहीं, मैं महेश डगली। अच्छा चिट्ठी लाए हो? ये अमृतलाल डगली जी की पेंशन देनी है, उनको बुलाइए। नहीं वो नहीं आ सकते। तो मुझे उनके पास लेकर चलिए। अरे रुको, ओ भाई रुको रुको, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता क्योंकि वो तो यहाँ से बहुत दूर भगवान के यहाँ गए हैं। सुन के बहुत बुरा लगा। क्यों भाई क्यों, तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो भगवान के पास चले गए। तुम्हारा कोई उधार बाकी था? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको बुरा लगा सोचकर। भाई हमें क्यों बुरा लगा, हम तो बहुत खुश हैं। भाई आखिरकार देर से ही सही, बापूजी गए तो सही। मतलब आप खुश हैं आपके बाबूजी चले गए? हाँ तो भगवान के यहाँ जाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। वो तो बेचारे डर रहे थे लेकिन मैं नहीं डरा, मैं तो बस फंसा धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती बस चढ़ा क्या आया। तुमने अपने बाबूजी को बस चलाई? मैं तो पुलिस का वाला करूंगा। अरे रुको, क्या? मैं तो पुलिस का वाला करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने बाबूजी को बस चलाई। एक मिनट, अरे एक मिनट, क्या क्या सोच, एक मिनट, अंदर आओ, कुछ नहीं करूंगा अंदर। मुझे ये बताओ मैं अपने बापूजी को बस के नीचे क्यों डालूंगा, उनके ऊपर से बस नहीं चढ़ाई है, मैंने उन्हें बस के अंदर चढ़ाया है ताकि वो द्वारका जाए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। अच्छा, वो भगवान के पास दर्शन करने गया द्वारका? हाँ तो मैंने सोचा कि वो मेरे बापूजी हैं, मैं उनके लिए ऐसा क्यों करूंगा। सॉरी 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 सॉरी, ये आपकी पेंशन? हाँ मेरी, मतलब आपके पिताजी की। हाँ ये साइन कीजिए। किसकी? अमृतलाल डगली की? नहीं नहीं नहीं, आपके। अच्छा सिग्नेचर मेरी करनी है? ये कमाल, ये आप लोगों का सिग्नेचर मेरे कराते हैं और पेंशन है बापूजी की देते हैं। ये वाह वाह वाह, बापूजी की पेंशन तो यहाँ आ गई और मुझे वहां भिजवानी पड़ेगी।
अब हम क्या करें? मारियो, संभालिए अपने आप को और घबराइए मत। अपनी सारी शक्तियां रानी परी की मूर्ति पे केंद्रित करना जारी रखिए। आज रानी परी को अपने रूप में लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रुक जाओ, तौबा तौबा। ये भूचाल इस बात का संकेत है कि सारी परियों ने अपनी शक्ति रानी परी को जीवित करने में केंद्रित कर दी और इस भूचाल का हम फायदा उठाएंगे। परियों को ये पता भी नहीं चलेगा कि इस वक्त हम भयंकर परी को कैद से आजाद कर रहे हैं। ये क्या आया? ये सब लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? अरे भाई, इस घर की हंसी, इस घर की खुशी, इस घर का शोर, ये सब कहाँ चले गए? द्वारिका, मुझे द्वारिका जाना है। मुझे भी जाना है। हाँ, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। तेरे बापूजी नहीं है ना, तो मैं तो एकदम मैड हो गई हूँ। माने पहली बार करेक्ट इंग्लिश बोली है। अरे नहीं नहीं माँ, मैड नहीं, सैड सैड, दुखी। हाँ, क्योंकि मैड का मतलब तो पागल होता है। हाँ वो वही सेम टू सेम हो गई हूँ। बापूजी नहीं है तो घर एकदम सूना सूना हो गया है। हाँ। लेकिन माँ, सूना सूना कैसे हो सकता है? देखा देखा होगा, क्योंकि घर को तो हम देखते हैं, सुनते थोड़ी ना। भैया सुनो 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 सुनो, इस दुख को सुख में बदलने का मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। क्या, क्या, क्या? मैं अभी जाता हूँ और राधे स्वीट के यहाँ से गरम गरम जलेबी, गरम गरम फाफड़ा और गरम गरम खमन लेके आता हूँ। जलेबी ढोका, मजा आएगा मजा आएगा। मेरा बल्लू अपने चाचा के यहाँ नहीं गया होता ना, तो वो भी ऐसा ही एक्साइट होता। तो बोलो, कौन कौन खाना चाहता है? मैं। मैं। रानी परी को उनके स्वरूप में ला पाएंगे कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर हाँ, हम भयंकर परी को जरूर सर्वदा की अच्छानी से आजाद करवा लेंगे। हाँ, और आज जुड़ जाएंगी दो महाशक्ति, बवंडर परी और भयंकर परी, और फिर उठेगा ऐसा तूफान जिसका सामना बाल भी और परियां भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नाराज तारास परी, कुछ पल और बस
अब और इंतजार नहीं, अब हम मनाएंगे महामंगल पर्व। परिया नहीं, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। बवंडर परी, आजादी मुबारक हो भयंकर परी। अरे भयंकर, बकरी तुकी पुकी, तुम दोनों इस बकरी को हमारे घर पे क्यों लाए हो? ये बकरी नहीं है, मेरा मतलब है ये कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ। ये हमारी तरह बातें करती है। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कुकी? कुछ भी मत फेंको। अरे मैं फेंक नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चंदू से ही पूछ लो ना। चंदू? चंदू कौन है यहाँ पे? ये बकरी का नाम है चंदू। एक मिनट, इसका नाम चंदू है ऐसा तुम लोगों को किसने बताया? किसी ने, देखिए चल बता चंदू कौन है। देखा। और सुनो भी, मजा आया। बोलने वाली बकरी? अरे रॉकी भैया, ये बोलने वाली बकरी नहीं है ये तो। आप बड़े बिना हम बच्चों की बात आसानी से मानते ही नहीं हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? हम तो सड़क पर खड़े थे, हम सबसे पूछ रहे थे कि हमारे साथ मानव मेहर के घर कौन चलेगा, कृष्ण का। देखा पुकी पुकी, बकरी मैं ही करती है लेकिन ये हर बात पे मैं नहीं करती। हाँ। ये तो सिर्फ सही बात पे मैं करती है। हाँ। कुकी अब कुछ भी मत बोल वरना पीट दूंगी मैं। तुम भी बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही गई हो। देखो अब मैं इसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी देखिए। हाँ, देखना। चल पता तेरा बर्थडे कब है? मैं कह रही हूँ मैं बर्थडे है इसका। और कुकी पुकी से समझदार कौन है? हाँ बहुत समझदार है ये, इसलिए हम इसे स्कूल ले जाएंगे। हाँ? हमारे साथ स्कूल कौन जाएगा? एक मिनट, इस घर से वापस कौन जाना चाहता है? देखा कुकी पुकी, बकरी बाहर जानी चाहती है। अरे हाँ, कुकी पुकी के साथ कौन जाना चाहता है? देखा? और इस घर में कौन रुकेगा? मैं। ओ सॉरी चंदू, ओ हमें नहीं पता था तो तू यहाँ पे बोर हो जाएगा। बाय। ये दोनों भी ना कमाल है।
रानी परी फिर से अपने असली रूप में आ गई। रानी परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रानी परी, आपको हमारे साथ देखकर हम सब बहुत खुश हैं। महामंगल पर सचमुच हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। रानी परी, अब आपके आने से हर तरफ खुशियां छाएगी, हर तरफ जश्न मनेगा, बुराई का सर झुकेगा और सच्चाई की ताकत बढ़ेगी। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। चलिए रानी परी, रानी महल आपका इंतजार कर रहा है। चलिए रानी परी। विराम परियो, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि परी तारा सुरक्षित है या नहीं। जी रानी परी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, परी तारा पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे भयंकर, भूचाल बंद हो गया है और इंद्रधनुष भी जा चुकी है, इसका मतलब है कि महामंगल पर्व खत्म हो चुका है। अब कहीं रानी परी वापिस तो नहीं आएगी ना? बकवास बंद करो तबा तबा, यहाँ भयंकर परी सामने खड़ी है और तुम लोगों को रानी परी की चिंता है। भयंकर परी, जल्दी बाहर आने की कोशिश करो, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी करो। हाँ। जल्दी बाहर आओ भयंकर परी, एक बार तुम आजाद हो जाओ फिर देखना, हम दोनों मिलकर ऐसा भयंकर बवंडर मचाएंगे कि परीलोक के नींव में दरारें पड़ जाएगी और पूरा परीलोक मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी। दरवाजा बंद कैसे हो गया? मैं अभी दरवाजा वापस खोलती हूँ। बवंडर परी रुकिए, हमारे पास इस द्वार को दोबारा खोलने का समय नहीं है। ये आतिशबाजियों का परीलोक में होना इस बात का संकेत है कि रानी परी अपने स्वरूप में वापस आ गई हैं और परीलोक में इसी बात की खुशियां मनाई जा रही है। भवंडर परी, भवंडर परी, हमें इसी समय यहाँ से चलना चाहिए। अरे चलना नहीं चाहिए, भागना, और वो भी और तेज, वरना परी भयंकर यहाँ पर आए ना आए, हम लोग हो गए सर्वदा कैद खाने के अंदर जरूर। हाँ भवंडर परी, और वैसे भी भयंकर परी बोतल से आजाद हो चुकी और वो इतनी चालाक तो है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे बाहर आने। आप जाइए बवंडर परी यहाँ से। स्वागत है बोल रही हो, मतलब होना चाहिए बढ़िया सा जश्न। जश्न भी होगा लेकिन बालवीर और परियों की बर्बादी के बाद। लेकिन भयंकर परी, तुम आजाद कैसे हो गई?
मुझे लगा तुम हमेशा हमेशा के लिए अंदर ही रह गई। मैं भयंकर परी हूँ बवंडर, और मैं भयंकर से भयंकर खेल बहुत ही आसानी से जीत देती। तो फिर हाथ में आया इतना बड़ा मौका कैसे जाने देती? ये द्वार बंद ही होने वाला था कि जो हुआ अच्छा हुआ। आजादी की मुबारकबाद भयंकर परी। इस आजादी के लिए तुम्हारा शुक्रिया बवंडर परी, पर मैं बधाई तभी लूंगी जब उस बालवीर और परीलोक को बर्बाद कर दूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा भयंकर परी, क्योंकि रानी परी अपने मूर्ति स्वरूप से बाहर आ गई हैं। क्या? हाँ, और जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रानी परी को परीलोक पर आने वाले किसी भी खतरे को भांपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ। इस समय तो मैं जा रही हूँ परियों, मगर सावधान, क्योंकि तुम्हारी खुशियों पर अब भयंकर परी का काला ग्रहण लग चुका है। मुझे भी अपने साथ। क्यों मैं ले चलूं? तुम्हारी भयंकर परी तुम्हें लेकर नहीं गई? अरे मेरे लिए तो हो अपमान। डर रहा था मैं तो उसकी झूठी तारीफ। तुम कभी नहीं सुधरोगे तौबा तुम। चलो। लेकिन फोन रख, पहले मेरे 15 कंचे वापस कर, फिर बात कर। फोन रख। रॉकी, मैं तेरा मोटा भाई महेश बोल रहा हूँ। महेश? ओ, मोटा भाई। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे रॉकी, तू जिम्मेदारी से घर में अकेला रह के मानव को संभाल रहा है, यही हमारे लिए काफी है भाई। थैंक यू। और सुन रॉकी, हम लोगों को घर आते आते बेटा रात हो जाएगी। हाँ, और हाँ, महर को उसकी सहेली की यहाँ से हम ही लेके आएंगे। हाँ ठीक है रॉकी। बेटा तू बड़ा है, जिम्मेदार है ना, तो मानव का ख्याल रखना। हाँ, मैं बड़ा हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। और हाँ सुन रॉकी, स्मिता ने गैस पे खाना रखा है, वो खा लेना गरम करके। हाँ, और हाँ मानव को भी खिला देना, और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। हाँ। और जहाँ बैठे हो वही की लाइट चालू रखना, घर के बाहर मत निकलना, मानव को भी निकलने नहीं देना। हाँ? और हाँ, कोई भी अनजान आदमी हो उसे घर के अंदर घुसने मत देना। अरे मैं अंजन आदमी क्या मोटा भाई, मैं आपको भी अंदर नहीं घुसने दूंगा। क्या बड़ा मुंडा? हाँ मोटा भाई। बेटा देखना, मानव पढ़ाई भी करे, सिर्फ टीवी ही ना देखता रहे। हाँ ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। मैं जिम्मेदार हूँ। किस बात का? ये तो मैं पूछने भूल गया, मगर मैं बड़ा हूँ, और बड़ा होने के नाते तो नहीं, तुम पढ़ाई करोगे। अरे चाचू बस 15 मिनट्स दे देना, उसके बाद मैं पक्का पढ़ाई करूंगा। हां 15 मिनट्स ठीक है।
ठीक है देखो टीवी, क्योंकि आज संडे है, आज फंडे है, आज फंडे है, आज खूब मजा करेंगे। गौर से देखिए इन्हें, ये शातिर चोर हैं, जो आज ही मुंबई की जेल से भागे हैं। इनके बारे में जानकारी देने वालों को सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारी सलाह है कि इन खतरनाक दरिंदों से सावधान रहें। रानी परी, आने से आपके हो गया परिलोक फिर से पूरा। हाँ रानी परी, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही परिलोक का संचालन संभाल लीजिए। रानी परी, ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया। शुक्रिया रानी परी। हमें बेहद खुशी है ये जानकर कि हमारे परी लोक की सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को बालवीर ने साहस से कैद कर लिया है। हाँ रानी परी, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में बवंडर परी सर्वदा कैदखाने से आजाद होने में सफल हो गई। हम जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले भयंकर परी उस कैदखाने से निकलने की कोशिश करे, हम उसे हमेशा हमेशा के लिए कोयले में बदल दें। नाराज ताराज परी, आप दोनों हंस क्यों रही? वो रानी परी, पिछली बार जब हमने सर्वदा कैद खाना खोला था तो बवंडर परी वहां से आजाद हो गई थी। और हाँ रानी परी, और हमें डर है कि कहीं इस बार भयंकर परी ना उस कैद खाने से आजाद हो जाए, इसलिए रानी परी वो द्वार खोलना खतरे से खाली नहीं है। नहीं नाराज ताराज परी, बुराई तो सच्चाई से हर कदम पर टकराएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई अपने कदम पीछे खींच ले। और ये मत भूलो कि रात का अंधेरा कितना भी काला क्यों ना हो, उजाले की एक किरण उसे हमेशा के लिए दूर कर देती।
इसलिए हमारे सामने जो भी बुरी शक्ति आएगी हम उसका मुकाबला डट के करेंगे। मानव मानव हाँ अभी आराम चाचो पानी पीकर। घर में बड़ा होता है तो भी टीवी देखने नहीं मिलता, घर में कोई नहीं होता तो भी टीवी देखने नहीं मिलता। छोटे हाँ छोटे, इन बच्चों के अलावा लगता है घर में कोई बड़ा नहीं है, है ना बॉस? क्या तो घर में घुसने से पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन तब तक तो वो दोनों भी बाहर थे। मतलब यहाँ पे दो बड़े लोग हैं? हाँ। कहाँ? हम दोनों। अबे बस क्रीम। यार ये क्रीम तो कितने दिनों से ढूंढ रहा था, जेल में रह के पता है मेरी स्किन कितनी खराब हो गई थी। बॉस ये लगाने वाला नहीं खाने वाला क्रीम है। अबे तो ठूस ले फिर मुंह में। हाँ वो सोचता हूँ। आगे का प्लान क्या है? जब तक बाहर से पुलिस चली नहीं ना जाती हम दोनों इसी घर में रुकेंगे। हाँ और फरार होने से पहले सब कुछ लूट के चले जाएंगे। लेकिन इस चंगू मंगू का क्या करेंगे? ये सब तो मुझ पे छोड़ दे, इनको संभालना तो मेरा चुटकी भर का खेल। हो गया तो जाओ संभालो। मानव मानव निकल निकल। मानव देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो पढ़ाई की डर से मानव छुप रहा है, लेकिन जिम्मेदार रॉकी से कोई नहीं बच सकता। चल मानव चल चल, चुप कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो पढ़ाई करो, चलो मानव। रॉकी चाचू तू तो मानव मानव यहाँ पे भी मानव यहाँ पे भी मानव तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया? ए अरे रॉकी चाचू मैं असली मानव हूँ। ये तो वही चोरी जिसके बारे में टीवी में बता रहे थे। लेकिन आप लोग तो दो चोर थे ना, तो चोर अंकल चोर अंकल वो दूसरे वाले चोर अंकल कहाँ है? एक्सक्यूज मी छोटे माइसेल्फ तू अपनी पीआरशिप बनाने आके चोरी करने? चोरी करने तो कर ना, तो प्लान बताओ ना। परियो सर्वदा कैद खाने की सुरक्षा के लिए किसी को तैनात क्यों नहीं किया? नहीं रानी परी हमने तैनात किया था डूबा डूबा 70 और डूबा डूबा 71 को। अगर किया गया था तो कहाँ है वो? रानी परी ये देखिए यहाँ तो रेत पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि बवंडर परी यहाँ पे आई थी। कहीं बवंडर परी ने यहाँ आकर भयंकर परी को आजाद करने की कोशिश तो नहीं की? अगर भवंडर परी ने भयंकर परी को आजाद करा लिया है तो ये परीलोक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हमें भी यहाँ किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। माँ रानी परी हमें जल्द से जल्द इस सर्वदा कैदखाने के द्वार को खोलकर सच का पता लगाना होगा। हाँ रानी परी we'll be right back.
कहां गई भयंकर परी? रानी परी, ये देखिए, भयंकर परी जिस बोतल में कैद थी वो बोतल तो टूटी हुई है। इसका मतलब भयंकर परी सर्वदा कैदखाने से छूट चुकी है माँ। यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है रानी परी, और अब बवंडर परी के साथ साथ भयंकर परी भी आजाद है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा रानी परी। कहीं भवंडर परी और भयंकर परी मिलके महाप्रलय न ला दे। हाँ रानी परी, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या होगा रानी परी? आप सब चिंता मत करो परियो, भयंकर परी और बवंडर परी आपस में एक भी हो जाए तब भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो तीनों लोग में जहां भी है हमसे छुप नहीं सकते। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनका सर्वनाश करेंगे। एक मिनट पकड़ो। अरे इधर, मैं मार नहीं रहा हूं, टाइम प्लीज। अरे अंकल, चोर अंकल, ये आपने कौन सी दवा दी है? एक मिनट, अरे यार रेपर भी फट गया। इससे आदमी बेहोश होता है या फिर आग मरता है? क्योंकि माना तो मुझे आग मर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं बेहोश हो रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ। बन गया काम, लेकिन दवा ने इतनी लेट असर क्यों किया? आयुर्वेदिक है, धीरे धीरे असर करती है। पैर मारो, अरे चाचू पैर मारो, पैर। अरे बाद मानो बाद, अबे पकड़। अरे ये दवा से बेहोश क्यों नहीं हुए? अभी पूछ के आता हूँ। अबे जाता कहाँ है, कितनी दवा डाली थी उसमें? मैंने पूरा बोतल डाल दिया फिर भी। अरे पूरा सुनो तो सही, मैंने पूरा दो बूंद डाला था। अबे दो बूंद से क्या बनेगा, पूरा बोतल डाल, पकड़ उनको। हाँ एक मिनट, ओके 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 ओके, चेक कौन करेगा? ये क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट उन पे करना था उसने कर दिया। लेकिन वो लोग तो भाग गए। भाग के जाएंगे कहाँ, चुटकी बजा के पकड़ लूंगा। हाँ तो जाओ पकड़ो। ए मैं कैसे पकड़ूंगा, मेरे साथ चल, पकड़। चाचू रेडी? नो रेडी। अरे अरे रॉकी चाचू, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ, कैसे? अरे आप तो इस पर्दे में समा ही नहीं पा रहे हो। देखो मानो मैं पहले से इतना डरा हूँ, प्लीज मुझे और मत डराओ। अरे आप तो डर रहे हो, आप तो बड़े हो ना, आप तो जिम्मेदार हो ना। अरे हाँ, मैं तो बड़ा हूँ और जिम्मेदार भी। इसका मतलब ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे इन चोरों को मैं घर से बाहर निकालू। अरे बॉस कितना स्लो चलते हो। अरे तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? आगे का प्लान बताओ। वो दोनों यहीं कहीं होंगे। हाँ। एक बार मेरे हाथ आ गए ना देखना, मैं जान की नींद सुला दूंगा। आप क्या लोरी गाएंगे? निंदिया रानी तुम उतर देख। क्या टाइम पास करते रहते हो, चलो चलो। अबे
ये चोरी बाद में कर लेना, पहले इनको पकड़ रखी से। ठीक है। ओ भाई बारा चल। अरे एक तो ये रहा, दूसरा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। ये बुराई की महक, ये आग उगलते ज्वालामुखी, ये बुराई का अंधेरा, इन सब के लिए कितना तरस गई थी मैं। शुक्रिया बवंडर परी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे आजाद नहीं करवाती तो मैं ये सब कुछ फिर कभी नहीं देख पाती। इसलिए तुम्हारा ये एहसान कर्ज रहा मुझ पर, और मुझे आजाद कराकर तुमने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया है उसे भयंकर परी कभी नहीं भूलेगी। छोटी, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है भयंकर परी, तो तुम और मैं मिलकर ऐसा भयंकर बवंडर लाएंगे कि बालवीर और परीलोक की नींव हिल जाएंगे। बेवकूफो, बेवकूफिया करना छोड़कर दे रही है आप दोनों एक दूसरे का साथ। ये देखकर आ रहे मेरे आंखों में दुख के खुशी खुशी के आंसू। भयंकर परी ने ना कभी दोस्ती निभाने में कमी की है और ना ही दुश्मनी, और बवंडर परी ने भी हमेशा दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई है और दुश्मनों के साथ दुश्मनी। लग रहा है ऐसे जैसे कर रही हो तारीफ एक दूसरे की, दो शातिर लोमड़िया। तबा तबा, कभी नहीं सुधरेगी। भयंकर परी, हम यहाँ भयानक लोक में क्या कर रहे हैं? तुम मेरे साथ बवंडर लोक में चलो, वहां परिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं तुम्हें परियों से बचा भी सकती। माना कि रानी परी तुम्हें बवंडर लोक में समाप्त नहीं कर सकती, मगर वो तुम्हें बोतल में बंद तो कर सकती है। वो तुम्हें कैद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी, और उसके लिए वो बवंडर लोग जरूर जाएगी। लेकिन जब उसे तुम वहां नहीं मिलोगी तो उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आएगी कि तुम यहां भयानक लोक में हो, क्योंकि उन सब के लिए तो मैं अब भी सर्वदा कैद खाने में कैद हूं। मेरी जान बचाई है तो तुम्हारी जान की रक्षा करना भी तो मेरा फर्ज है। अब क्या करें? अरे हाँ, अब क्या करें? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें? हाँ, फोन करते हैं। चल। Oh.
हेलो हेलो मैं मानव तुमने तो अपना नाम रॉकी बताया था ना मैंने तो अपना नाम मानव बताया था क्या कर रहे थे कुछ नहीं मैं पुलिस को फोन लगा रहा था पर लग नहीं रहा है मैं कुछ हेल्प करूं हाँ हाँ प्लीज 100 पता है कैसे बहुत लोगों ने लगाया हमारे लिए लेकिन इस बार नहीं लगेगा क्यों वो क्या है ना कि मैंने ये टेलीफोन वायर काट दिया था क्यों मुझे लगा आप अपने दोस्तों को फोन करके मदद के लिए बुला लोगे इसलिए मैंने काट दिया अरे मदद की जरूरत उन्हें नहीं हमें हमें हाँ अच्छा तो अब हम क्या करें कुछ मत करो अभी डरो क्योंकि जो करना है मैं करूंगा जगह कम है ना पीछे जाओ हाथ उठाओ अभी डरो पहले तुम तो अपना डंडा उठाओ अरे हाँ भागो भागो अरे आ क्या भागो अरे भागो अरे भागो छोटे कहाँ अरे वो देखो छोटे अबे तू इतना हिल क्यों रहा अबे बोलता क्यों नहीं झटका लगा अब पता चला मैं क्यों कर रहा था अब आगे का प्लान क्या है मैं उन दोनों को चुटकी बजा थे पकड़ लूंगा तो जाओ पकड़ो मैं साथ में आऊं दोनों जाएंगे रानी परी क्या हम बवंडर लोग पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करें नहीं हम बवंडर लोग नहीं भयानक लोग जाएंगे क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि बवंडर परी भयानक लोक में है लेकिन रानी परी इतना तो भयंकर परी जानती ही होगी कि बवंडर लोक में वो कहीं अधिक सुरक्षित है क्योंकि बवंडर परी बवंडर लोक में अमर है वो इसीलिए तो बवंडर लोक नहीं जाएगी नटखट परी क्योंकि वो जानती है कि बवंडर लोक में बवंडर परी अमर है और भयंकर परी कभी भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली परी के साथ कभी नहीं रह सकती फिर तो दोनों मिलकर परीलों के खिलाफ जरूर कोई बड़ी साजिश रच रहे होंगे विजदार परी उन्हें जो साजिश रचनी है वो रच ले पर इस बार हम उन दोनों बुरी शक्तियों का एक साथ अंत करेंगे बालवीर सही कह रहा है परियो अब समय आ गया है बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का तू पर्दे में समा नहीं सकता तो पर्दे के पीछे क्यों छुपता है चल बारा तूने मुझे बहुत झटके दिए अब मेरी बारी है मैं झटके दूंगा चोरंकल चोरंकल प्लीज 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 इधर मत हो वरना फिसल जाओगे अच्छा मुझे जो ना बोलता है ना वो काम तो मैं जरूर करता हूँ
मत आ। बच्चों को डराना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। चाचू कंची फेंको। अरे मगर चोर अंकल गिर जाएंगे। अरे चाचू कंची फेंको। डिटर्जेंट पाउडर। अब बच के कहां जाओगे? इन्हें कैसे क्रॉस करोगे? चाचू फेंको पानी। बोला था संभल के। बस आगे का प्लान दे रहा है दस्तक अपने बुरे समय को। लो, बसता नहीं शहर और आ जाते हैं भीख मांगने वाले। तौबा तौबा, अपनी गंदी शक्ल यहाँ सामने से हटा और बवंडर परी और भयंकर परी को जल्दी से बुला। हमारे पास उनके लिए जरूरी सूचना है। ए, कहना जो भी कहो मुझसे, क्योंकि अब हूँ मैं ही यहाँ का राजा। तौबा तौबा। बच गया राजा का बाजा। कौन आ रहा है सराज? क्या सूचना है? भयंकर परी, आप सब यहाँ भयानक लोग से जल्द निकल जाइए, क्योंकि रानी परी, बालवीर और सारी परियां भयानक लोग की तरफ ही आ रही हैं। लेकिन उड़ गए तोते। समझती थी अपने आप को बड़ी चाला। नहीं पता चलेगा रानी परी को। मिलकर हम दोनों मचाएंगे भयंकर बवंडर। अब छुप जाओ कहीं जमीन के अंदर। तबा तबा।
अरे एक अकेला बालवीर नहीं संभलता आप दोनों को, अब तो आ रही है रानी परी बाकी परियों के साथ। तौबा तौबा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा भयंकर परी, तुम मेरे साथ बवंडर लोक चलो, वहां मैं अमर, वहां परिया हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगी। सोच क्या रही हो भयंकर परी, हमारे पास वक्त नहीं है, चलो यहां से जल्दी। भयंकर परी चलो यहां से, ठीक है।